तो इसलिए होता क्या है, कई बार माता पिता ऐसा कभी घर लेके भी जाते हैं ना, उसको गोली वोली खिलाते हैं, काली पीली नीली हरी सारी गोली खिलाते हैं, उनको लगता है शायद केमिकल से भक्ति धुल जाएगी उसकी। केमिकल से कौन सी भक्ति धुलती है जी? एट द मैक्स योगा बच्चा थोड़ा ज्यादा सोलेगा, पहले 6 घंटे सोता था वो 8 घंटे सोलेगा, लेकिन उठ के भी हरे कृष्णा करेगा, सोते हुए भी हरे कृष्णा ही करेगा। हमने देखा कई बच्चों कई भक्तों को ना, जब उनका ऑपरेशन वगैरह भी होता है, एनेस्थीसिया में होते हैं वो, उसमें भी हरे कृष्णा करते हैं वो, डॉक्टर आउट में आते हैं एनेस्थीसिया काम करा नहीं करना, तो उसको ऐसे ऐसे करते हैं तो नहीं कहता एनेस्थीसिया तो काम कर रहा है लेकिन फिर भी हरे कृष्णा कर रहा है वो, क्योंकि ना भक्त ने सोते सोते भी हरे कृष्णा किया है, जगह जगह भी हरे कृष्णा किया है, सोते सोते भी उसने वही किया है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी हरे कृष्णा ही है, कॉन्शियस माइंड में भी हरे कृष्णा ही है, इसके अलावा जो भी है वो भी हरे कृष्णा ही है बेचारे का। तो उसने वो एनेस्थीसिया भी जब दिया जाता है ना बच्चों भक्तों को कभी ऑपरेशन थिएटर में, तो वो डाउटफुल होता है डॉक्टर, तो ऐसे दो चार करेगा नहीं है तो बेहोश है लेकिन कर रहा है हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 कितना 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 हरे हरे तो किया है ना उसने सोते हुए तो किया उसने। यस ऐसे इसमें जब जब अर्जुन को बुलाया था भगवान श्री कृष्ण ने, तो अर्जुन को बुलाया तो अर्जुन को थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोला, तो फिर वो अंदर गए तो कोई तो भगवान ने बोला चलो लंच का टाइम हो गया तो जाओ कोई जाके बुला के लेके आओ। वो एक रानी गई वापस नहीं आई, दूसरी रानी गई वापस नहीं आई, कहते ये क्या जी, तो जो रानी जाती है ये वापस नहीं आती, तो रुकने का पता नहीं क्या चक्कर है जी। सत्य भाव को भेजो वो भी गई अंदर नहीं, वो अंदर गई वापस नहीं आई। फाइनली रुकनी मैंने कहा मैं ही जाके देखती हूँ, ये सत्य भामा जामवती सब जाती है बाहर नहीं आ रही, क्या चक्कर क्या है। अंदर जाके देखा अर्जुन लेटे हुए हैं और हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहे हो, सोए आराम करते हुए हरे कृष्णा, और आसपास जो रानियां हैं दे वर सो मच स्टंड विद दिस कीर्तन, तो हल्के लिए कोई करताल बजा रही है, कोई मृदंग बजा रही है, कोई सितार बजा रही है, कोई गिटार बजा रही है। वहां ने कहा वाह जी वाह, तो उसको बोला जी सर आपको उठाने के लिए हो जाता, हम तो अर्जुन के इस कीर्तन में इतने ज्यादा एब्जॉर्ब हो गए, इतनी तल्लीन हो गई, हमको तो पता ही नहीं चला। तो ये अर्जुन की महानता है कि वो सोते हुए भी कृष्ण का नाम लेते हैं, और हमारी महानता है कि हम कृष्ण का नाम लेते हुए सो जाते हैं। लेकिन हमारी चेतना में और कॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में भगवान का नाम तो ही है, तो इसलिए इतना जो डीप एक्सपीरियंस हो जाता है ना, वैसे व्यक्ति कहाँ छोड़ने वाला है। जैसे माता पिता कई बार बड़े होपफुल होकर जाते हैं कि वो उसका ब्रेन वॉश कर देंगे, उसका बिहार रचा देंगे, फिर वो फंस जाएगा संसार में, फिर भूल जाएगा भक्ति। कभी वो मतलब ये कहते हैं या तो हम या हरे कृष्णा, बताओ क्या चाहिए। तो भक्त जो उनके चरण छूता है हरे कृष्णा, what nonsense। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी हैरानी होती है, ऐसे कैसे भाई हमारे 25 साल का प्रेम और वहां 25 दिन में ऐसा क्या हो गया तेरे साथ, हमारे 25 साल का प्यार पीका पड़ा गया, क्या करें, भक्ति है चीज भी ऐसी है जी। हालांकि भक्त जो है सबका सम्मान करते हैं, माता पिता का भी गुरुजनों का भी सबका सम्मान करते हैं, लेकिन कोई सोचा भाई हरे कृष्णा छोड़ करके कोई माता पिता की एक्सक्लूसिवली सेवा कर लेगा, माता पिता की सेवा भी कोई कर लेगा लेकिन हरे कृष्णा तो छूटने वाला नहीं है।